गाइस सर में जू निकली यार, सफाई नहीं रखता तू। यार कितनी गंदी स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। जा अपना काम कर, चल आएगी जाने का फटाफट आएगी नीचे। पिटने वाले काम मामू पापा की वजह से चुप। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सईदा लाइव फैमिली ब्लॉग। गाइस सुबह हो चुकी है और मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड गए हैं पार्क और देखते मैं अपना देख रही हूँ ब्लॉग सुबह के टाइम। अब वो जब आएंगे तब देखते हैं भैया क्या नाश्ता बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलो देखते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं जाते हैं, देखते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। अरे क्या हो रहा है भाई, सो रहे हो अभी तक? नहीं मैं तो सो नहीं रही हूँ, मैं पार्क से घूम भी आया, अभी तक आराम ही हो रहा है। अच्छा तो नाश्ता पानी का इंतजाम करा नहीं करो? अभी नाश्ता पानी, अब तुम के चले गए पार्क और बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्या बनाती? दूध तो रखा था सारा कुछ, दूध रखा था, तुम कहोगे तो मैं बना दूंगी, तो बना थोड़ी ना। चाय वाय बना लो। चाय वाय बना लेती हूँ, क्या बनाऊंगी, चाय बनाऊँ तो फिर दूध तो नहीं है, तो चाय बनाऊँ? अरे दूध रखा हुआ भाई, रात दो थैली ला कर गया था मैं, पता नहीं आपको? पता नहीं, मैंने देखी नहीं थी, तुम पीना एक मैं पीता हूँ, मजा आ जाएगा। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। क्यों चाय पी, क्या होगा? चाय पिए काले हो जाते हैं। लो जी काले हो जाते हैं, इतने दिन से तुम खून पी रही है मेरा, तब तो लाल तो हो ही नहीं तुम, और चाय काली हो जाएगी, कमाल की बात है। चलो तो फिर कुछ और बना लो भाई, चाय नहीं पीनी ना, तो ऐसा करो कुछ और बना लो थोड़ा सा। चलो ठीक है गाइस, अब मिलती हूँ मैं, गाइस मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर, चलो मिलते हैं, चलो आओ, हैं। आओ नाश्ता करते हैं। अम्मी हाँ क्या कर रही हो? अरे आपसे बना रही हूँ, उठ गई तुम? हाँ उठ गई। चलो रुआबजा बना रही हो? हाँ। अरे क्या हो रहा है, रुआबजा बना रही हूँ। अरे रुआबजा बना रही हूँ, मेरे को फोन आ गया काम का, मैं और भाई दूसरी फील्ड में। ठीक है बच्चे उठे, जब नाश्ता वास्ता बना रहा हूँ तुम्हारा, मैं एक डेढ़ घंटे बाद आऊंगा, जो उसके लिए नहीं जा पाऊंगा। चलो ठीक है, चलो आगे तुम खाना खा लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। काम से बच गई? काम से बच गई। अच्छा क्या बना रहे थे जब वो कह रहे थे बाहर निकालो, फोन आ गया तो क्या? और क्या मैं बाद में बनाऊ भाई, कितनी जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी जगह पर रखा, काम से बच गई, बना लूंगी बाद में, अभी नहीं बनाऊंगी, जरा टेस्ट करके देखो। तुम सुबह सुबह चमक रही, क्या लगा रही हो आजकल ऐसा? क्यों ये बताओ। अरे क्या मैं बड़ी चमक रही हो, बड़ी स्किन ग्लो कर रही है तुम्हारी। अच्छा बच्चे हो रहे रूंडे कूंडे हैं, बच्चों को मना थोड़ी कर रखा है। चलो हम भी खूबसूरत हैं, चलो बच्चे मेरे खूबसूरत हैं, मैं भी खूबसूरत हूँ, तो सभी सभी तुम भी खूबसूरत हो तुम सारे। चलो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्या बनाओगे खाने में? अपना खाना बताओ। अब खाने में क्या बनाओ? दाल चावल बना लो, अम्मी बहुत मन कर रहा है। दाल चावल बनानी है, और क्या करना मुझे? दाल चावल ठीक है, दाल चावल क्योंकि शाम को खाएंगे अब, क्योंकि मन नहीं है अभी कुछ ज्यादा खाए भी खाने का। दाल चावल बना लो ठीक है, और दाल बनाना खड़े मसूर की दाल, काली वाली दाल और चावल ठीक है, आम भी अम्मी डाल के। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अम्मी को मैंने काम बता दिया है, बहुत काम चल रही है ये, तुम्हारी फरमाइश तो करनी पड़ेगी भाई। और क्या, चलो ठीक है गाइस, नहीं नहीं बस इतना ही बहुत है, तुम्हारा इतना इतना शुक्रिया है। ठीक है गाइज मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है गाइज, आज अम्मी का हो रहा है मेकअप शूट, मुस्कान कर रही है अम्मी का इंस्टाग्राम के लिए फोटो शूट, तो आप ये सारी जो अम्मी के फोटो शूट होंगे वो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ में आईडी भी मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर हो रहा है अम्मी का मेकअप, अम्मी बन रही है आज हीरोइन, हेमा मालिनी बनोगी अम्मी आज है? तो ये अम्मी बन रही है यहाँ पे हीरोइन, कहाँ जाओगी हीरोइन बन के? है जा रही थी, मुझे ये पकड़ के लाई है, कह रही चलो मम्मी आपका शूट करती हूँ, आपका मेकअप करती हूँ, आपके और तुम उठ के आ गई
मेकअप के लिए बोला तुम उठ के भी आ गई है। अरे अम्मी मुझे शूट भी कराना है भाई। गाइस हीरोइन बनना चाह रही है, हीरोइन किसी फिल्म में रोल वोल होते ना बता देना। हाँ हाँ जी हाँ जी, कोई रोल हो तो मुझे बता देना। एक्टिंग तो आती ना तुमसे, रोल करोगे तुम? है कर लूंगी, पता नहीं कैसी एक्टिंग करेंगी। हिलाओ नहीं, ये देखो ये अम्मी का मुंह जमा जमा के कह रही हिलाओ नहीं। अब इंसान सांस भी ना ले, किससे मेकअप करा तो इंसान सांस भी ना ले। बच्चे यहाँ पे नहाए भी नहीं है, अम्मा हमारी हीरोइन बन रही है, देख लो गाइस। हमारी अम्मा सोच रही है आज ही बन जाऊँ मैं सेलिब्रिटी। बच्चों को हमने मना नहीं किया नहाने के लिए, तो बच्चे नहा कर कर सकते हैं अपना। मुझे ठंड लग रही है, मेरा पानी गर्म कर। मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। पापा का खर्चा कराने पे तुली रहती हैं, 24 घंटे ही सोचती हैं कि उस पापा का किस तरीके से भी खर्चा करा दूं। मालिश से कर दी सर। है कितनी जूं हो रही है तेरे सर में? जूं तो है भी ना। अरे हुई मतलब क्या देगा? अब तो जूं निकाल दी मैंने। चल ठीक है गाइस, देखो मैं इसकी जूं निकाल देता हूं। डबल देगी नहीं निकले हैं? रुका भी एक दिन तेरे जूं अभी पर पानी वाली गाइस, इस साइड में जूं नहीं है, ले ली है अलसी ली है। अरे चल देखा, देख देखो गाइस कैमरे में देखो, आप जूं दिख रही है? आपको ऐसे नहीं दिख रही होंगी, जो मैं आपको ये सफ़ेद पेपर मैंने लिया है, मैं आपको स्पिन निकाल के दिखाती हूँ। देखो जू निकली सफाई नहीं रखता तू, और तुझे क्या कर रखा है? देख ले खा ले, खा ले इन्हें। जुए चल क्यों नहीं रही है? मरी हुई क्यों है? मरी हुई जुए निकाल, 500 रुपए दे। अम्मी जुए देखने एक बार क्या है, इनने मेरे सर में कुछ डाला है अभी। डाला है? हाँ। अच्छा मैं खाने को डाल डाली अभी। ये जुए है, ये सब्जी के बीज है। अरे जुए सब्जी के ढेर है, किसी ढेर है? चल क्यों नहीं रहा? चल क्यों नहीं रही है? चल क्यों नहीं रही बोला बता। अरे ढेर है जुए। इतना साफ सुथरा बच्चा मेरा, हम जैसे जीव बता रही है। निकाले मैंने सर में इसके से, खोल आ रही है। देखो उसके ढेरे होंगे, मेरे लोड़े जीव बता दी। सारे 500 रुपए दे। एक भी जो नहीं है मेरे भैया के सर में, बस नोच क्यों रही है? जबरदस्ती डाल दी। हमने रील बनाई, कैसी लगी भाई हमारी रील? मेरा मकान मेरा वो ऊपर गंदा पड़ा है। जो कोई अच्छी चीज करती है तो मेरी मक्खन वाली जींस पहन बैठ ले ना के जाओ क्या? पापा अपने कपड़े बनाने के चक्कर में, पापा कह रहे अपने घर में काया गंदा पड़ा ऊपर। हां गंदा पड़ा तो जा रही, पहले मैं उसे धोऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर नहा के मैं भी रील बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे। फिर भी काली दिखे, साफ कर ले अपने सर के। फिर भी काली दिखे कितना खाना दे रही पापा को, भूख लग रही है। हाँ क्या अच्छा हो रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ज्यादा से गाली मत करो। अरे कुछ नहीं, चिल्लाएगी बहुत बुरा। परेशान रहने दे, खुद के बालों में देखो, जुए देखो। मेरे दिख रही है देखने बालों में लीक हो रही है। कहाँ खुश की? इसी से तूने खराब करा रखे है, ये जो हो रहा है। पापा
यार जितने तुम बड़ा हो रहा तो बदतमीज हो रहा बहुत ज्यादा। मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम मजाक कर रहे हो तो अंडा फोड़ दे। कुछ नहीं कह रहा था। देख क्या चुनेल बनाया है। देख भाई बना दिया ना मुझे। कितने से चूहे निकाले दिखा दे। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। उसके बाद वो कंडीशनर लगा लियो वाले में। कुत्ता लगा था एक बैठ लगा था क्या बहुत गंदी बना लेती अच्छी तरह से यार बता रही क्या क्या करते रहते हैं। खूब शैम्पू लगा लिए सही से ऐसा मारूंगे ना आज के बाद कैसे कल जिंदगी मजाक में गंदे क्यों अब मत करिए रुक तू अभी बेटा ठंड हो रही है अम्मी से बता रही हूँ मैं मजाक मत करना होगा फालतू की तूने कर दी ठंड हो रही है पागल काली गोरी हो जाएगी अम्मी चल बंद कर कुछ लगाना हमारी अम्मा कैसे लौटने का पक्ष ले रही है हमारा बाप ना हो रहा था हमारी जिंदगी खराब है घर में अभी तो बदबू मारे अभी मैं जिंदा बैठा बकवास ज्यादा ना कर अपने काम से काम रख ले पाँच रुपए के अंडे का और नुकसान कर दिया मतलब मैं अल्लाह देखो तो हमारे पापा को 5 रुपए के अंडे का दुख है ये नहीं कि लोडिया के क्या जमो रहा अल्लाह की तो बोला तो एक कंडीशनर हो गया 5 रुपए शिवानी बाल धो रही है शिवानी सही बारी बड़ा ऐसा कर बहुत ज्यादा मजाक होगा तू नीचे चल जा अपना काम कर चल आएगी नीचे फिर लड़ता रही ऐसी तुझे बता रहा हूँ ज्यादा मजाक बाजी मत कर नकली जुए तो पैसे के चक्कर में नकली चूहे निकाल कर फ्रॉड बाजी कर रही है बिल्कुल पैसों के चक्कर में मेरा बेटा कितना हीरो बन रहा है अभी इतनी अगोरा यहाँ पे अभी बर्फ पड़ने वाली अबे यार काला सब कुछ वो भी कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है छाए छाए बस 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 ओवर एक्टिंग कम करते हैं कम थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कम करो नहीं बार बार आती है बार बार भी सबर नहीं आया अंडे से डाला है
भैया इसके साथ है ना ऐसी कर कर। हाँ, ये दे दो पहले। ओरे ये तो मैं जा रहा हूँ। मेरे पापा बड़ा शरीफ रहे, मतलब तुम बाहर घूम ले। पापा साथ मिल के ऐसे ऐसे कट भाई, मुझे चल रही बेटा, मैं मुझे मेरे चल थोड़ा घुमाने के लिए अपनी बाइक पे। मम्मी साथ है ना। गाइस आपको लगा मेरी मम्मी ओवर एक्टिंग कर रही है? मैं एक्टिंग कर रही हूँ, अपने बेटे के साथ खड़ी है। मेरा बेटा देखो गाइस, ये मेरा भाई है और ऐसे देख रहा ना। अबे ले, अबे ले, अबे ले, मजे मजे में आ रही है। निमाने तुम चाटा मार दिया यार, गाल पे इतनी जोर से यार, बिल्कुल बड़े प्यार से चाटा मार रही है यार। मुंह पर बहुत ज्यादा हो रही है, समझा, थक गया मैं तो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चाटा मार तू। सुनो ना, चाटा मारा सारे फॉलोवर तुझे याद कर रहे हैं, पूछे सब्सक्राइबर। मैं पढ़ाई में ध्यान दे, थैंक्स, शुक्रिया आप मुझे याद कर रहे हैं गाइस। अब मैं रोज आऊंगी। एक बार बस बात सुनिए, मेरे अंडे की दूसरा आ रही लगाया नहीं है, फरजान ने सब पे मार दिया मेरा अंडा, फोड़ दिया मेरे बदतमीज ने। क्यों फोड़ा? इसके मेरी लड़ाई हो गई थी। तुम्हारा एक लौते भैया तुम्हें शर्म ना आती लड़ती रहो, हट्टा मुझसे। तुम इसकी सपोर्ट तुम्हें शर्म ना आए, तुम उनसे हर वक्त लड़ती रहो, हर ब्लॉग में फरजान भाई से उनके पीछे पड़ी रहो। मैं कह रही हूं मुझे छोटे भाई ने लड़ती रहा, हर ब्लॉग में कोई क्या कहेगा, बहनी लड़ती रहे हम भी लड़ ले रहा। सही बात है, सही बात है, फिर तो लड़ते ही रहेंगे। हां हम बना दूंगी तेरे को सिखाने वाली। और तुम अम्मा दादी कह रही हो तो फिर छोटी है वो, छोटी कितनी समझदार है, वो ज्यादा समझदार ही है। और वो तो मैं समझदार आई नहीं थी, तुमने मुझे बुलाया ना। अब मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तो तू दिखाई नहीं दे रही मुझे कितने दिन से। अरे मैं पढ़ाई कर। गाइस नन्नी आ गई है सेवंथ क्लास में, तो नन्नी कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है नन्नी। हाँ तो तारीफ कर रहे हैं। चलो तो गाइस जिसको नन्नी से मिलना था, मैं नन्नी को मैंने बुला लिया है। नन्नी आ गई है, बुला नन्नी से, अब इसे बांध लो नन्नी से कुर्सी। तो गाइस देखो ये नन्नी है, यही है वो लड़की, यही है। दिमाग चल गया है मेरा, समझा रख दिया, मारोगे क्या ब्लॉक में? हमारा प्यार से बर्दाश्त कर रहा। अरे हट जा, तुम्हारा प्यार ना चाहिए मुझे। अल्लाह इतने तेज गला दबाया, दर्द हो निकला मेरे। अपने पापा की एक लौटी प्यारी लौंडिया, मेरे पापा तुमसे मांग लेंगे इतनी बड़ी लौंडिया। हम लगे देंगे, कह देंगे गायब करिए तो गायब कर दूंगा। हां पापा तुम्हें भी गायब कर दूंगा। तो देखिए हमें क्या पता, हमारे घर में आधे नन्हे बहुत दिनों से हम साफ कर देंगे और ब्लॉग का सारा सीन काट दूंगी। कैमरे में लगा के आई हूं अपने घर के बाहर, मैं घर से बोल रही हूं। चलो हल हम मैं गाइस से बात कर लूँ। गाइस कैसे आप सब अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। गाइस शुक्रिया आप मुझे दिल से याद कर रहे थे, बस मेरे मामू की तबीयत तो इसलिए मैं आ नहीं रही खाला के घर ज्यादा। अब आऊंगी ना तो आपसे जरूर मिलूंगी। गाइस तुम ज्यादा ना बोल रही हो बीच में से। अच्छा बीच में थोड़ी साइड में। हाँ गाइस मैं क्या कह रही थी, मैं आऊंगी। नन्नी नन्नी सुन, इग्नोर कर रही है मुझे। हाँ मैंने तुझे वो याद कर रही हूँ, पानी वाली टंकी वाली आंटी ना है। पानी वाली टंकी वाली पानी वाली टंकी गए यार। धमाके धमा क्या बोल रही हूँ, धमाके के धमाके क्या बोलते हैं, धमाके पर धमाका होता जा रहा है। छोटा पैकेट होना धमाका होता है। और तू है घूमने अशुभ हो जाए।
क्रिस्पी पनीर के पकोड़े, जिसके लिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल। सारी बोतल खाली कर दी। और ये मैंने सामान लिया है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स, फ्रेश ब्रेड क्रम्स। ये है कॉर्नफ्लेक्स। और ये है हमारा बैटर। और ये हमारा पनीर, जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा है। तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, जैसे कि आप सभी को बताया बारिश पड़ रही है। तो घर में सबकी फरमाइश थी कि पनीर के पकौड़े बनाए, सबकी क्या मेरी और मुस्कान की फरमाइश थी कि पनीर के पकौड़े बनाए जाए, वो भी क्रिस्पी वाले। तो उसके लिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है और अब बारी है बस इसे फ्राई करने की। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डेली क्राफ्ट आयशा खाना, वहाँ पे भी डली हुई है क्रिस्पी पकौड़ों के नाम से, क्रिस्पी पनीर के पकौड़े। आप वहाँ जाकर भी इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए, तुम्हें तो मुझे। मैं गा रही हूँ, इस पे तो कॉपरेट नहीं आना चाहिए, माना मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। गैस बंद ही हो गया, कम करते करते। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब लेंगे हम ये पनीर का पीस, इसे डिप करेंगे अपने बैटर के अंदर। इसमें हाथ जोड़ सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ये कोट, इस बैटर में इसे हम कोट करेंगे। फिर डालेंगे इसे हम अपने ब्रेड क्रम्स में। अब है हमारे हाथों का काम, और तो इसे अच्छे से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। जब ब्रेड इस पे अच्छे से चिपक जाए तो फिर से इसे हम डालेंगे अपने बैटर में। फिर इसे निकाल लेंगे और अब ये जाएगा हमारा कॉर्नफ्लेक्स के अंदर। तो अच्छे से इसे कोट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और फिर इसे जब मन हो तो फ्राई करके खा सकते हैं।
तो इस तरह से इस पे हम कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोट कर देंगे, अच्छे से चारों तरफ से कवर कर देंगे कि लड्डू बना कर रख लें। मैं नहीं दूंगी, पहले तारी हूँ गाइस, बनाता हूँ अपने लिए रहते, मगर बदकिस्मत से ये भी आ गया और मैं दूंगी पहले तारी साफ से दीवार। अब कच्चे हाय हाय अभी कच्चे हैं तब भी खाना का तैयार है, नियत सड़े गिल गिला सब जिम भी जा जिम जा जिम करूं किस अंडर हूँ बोल, तब दूंगी मैं दूंगी पहले बात बोल कि जिम करूं किसी से सिलेंडर हूँ। हेलो भाई जोगिंदर, एक बार कह देता हूँ, ओ कहाँ से लाते हैं परफ्यूम, कहाँ से लाते हैं परफ्यूम? अबे परफ्यूम लाया इतना महंगा परफ्यूम लेके आया, बावली लेटरिन पे छिड़क रही है, कमरे में छिड़क रही है, उसे सारा खत्म कर दिया, आधा कर दिया उसे सफाई के चक्कर में, सारा परफ्यूम इन्हें पर्दों पे लगा दिया, घर में सोफों पे लगा रही है। गाइस हमारे घर में कितनी सफाई रहती है आप लोग भी देखते होंगे, मगर उसके बावजूद भी इस लोंडिया को पता नहीं कौन सफाई से सफाई की सनक है, कई तरह का परफ्यूम भी कितने महंगे महंगे परफ्यूम लाता है और रूम फ्रेशनर की तरह घर में रख देती है। इतने महंगे महंगे लॉस रूम फ्रेशनर का यूज फ्रेशनर यूज करते हैं ठीक है, वो लगाते हैं बाकी लोग घर में छिड़कते हैं, मुझे ला दो तो मैं चाहती हूं मेरा कमरा महकता है। ये कैसे कर रही है उसकी तरह, आई बेन बना रही है बेन, ए बेन आए हाय इतने तेज परफ्यूम लगाता है, मेरी नाक में चढ़ जाती है बहुत तेज बेन, तेरी नाक इतनी लंबी है तुझे नहीं पता, ये जितनी लंबी नाक वाले होते हैं ना वो करोड़पति होते हैं, करोड़पति होते हैं, करोड़पति बनेगी तू, चप्पलपति बनेगी तू, चप्पलपति तेरी छाती पे बैठे हैं, चप्पल है मेरे पैर दी तो मेरे पैर, चप्पल है मेरे पैर चबली तू सारी सजदी और जिधर मित्रा दे प्रोटीन होने हैं, रे चप्पल बाटा की कैसे लग रही है गारंटी है सकल ने देख के अपनी इंस्टाग्राम पे कमेंट आता है बेटा कि खुदा ने तुम्हें बड़े फुर्सत से बनाया है, तुम्हारी क्या पढ़ा दूंगी मेरी आईडी भी आके देखना, लोगों का कमेंट पड़े हैं मुझसे बात कर रहा हूं उनकी, और एक का तो कमेंट आया है यानी को लेके घूमेगा यार, कभी तुम शादी लगती है कभी तुम कुंवारी लगती है, ये राज क्या है, वो जो ऊपर वाले ने सारी मट्टी नहीं होती जो छोटे छोटे के फेंकते हैं खुरचन उससे बनी है, फुर्सत से बनी है तो खुरचन से बनी है तू। एक का तो मैसेज आया मेरे पास कि आप मॉडल हो, मैं उसके यूट्यूब पे तीन गाने हैं उसमें कमेंट करा है कि हाँ यार मैं ऐप का फिल्टर लगा लेती हूँ तब गोरी लग जाती हूँ थोड़ी सी, वरना वैसे तो होगी चूड़ी काली कल फिल्टर कौन नहीं लगाता, एक बार बताओ गाइस जब फिल्टर बने लड़कियों के लिए और फिर भी ये लोंडे लगा रहे हैं तो क्या करें, लड़के ना लड़के लड़के चलो इसी बात बेसन बोला हो तुम खा ले, तो लड़के खतरनाक अच्छे लगते हैं, लड़कों की परिभाषा दे दूंगी अच्छे से, लड़के खतरनाक अच्छे लगते हैं, खूबसूरत तो लड़के होती है लड़के या तो मशहूर होते हैं, हम खाना बनाते हैं यहाँ पे ऐसा मारा जैसे चली गई ना उस दिन, देखे क्या होगा, जिम जाएगी तेरी बॉडी नहीं बनेगी, तेरी बॉडी आएगी थोड़ा मेरे पकड़ो पाओ तो हमने ये सारी बोले बना के तैयार कर ली है अपनी, खुद ही खा जाएगी, खुद ही कहेगी वो वाओ अच्छा लगा, और आप डालेंगे इसे गर्मा गर्म तेल में, अब इसे फ्राई करेंगे, तो गाइस गाइस आ जाओ इसको खाएं, अरे आ मत जाना जल्दी से ना बर्तन धुलवा ले ये सारे, हां तुम तो बहुत होता है, ओ तू खिला रही है गाइस, अपने घर बना के खा लो, झाड़ू लगाई बर्तन बर्तन और धुलवा, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया अपने घर बना के खा लो, जल्दी से ना जाना कोई सर्दी बहुत तेज है, फिर बाद में कहोगे तो खिलाते कम है काम ज्यादा करवा दिए। गाइस पता है बचपन में जब पढ़ना पड़ता था ना तो अम्मी बाजार चली जाती थी, हमें काम करना होता था
तो अब हमारा बर्तन धोने का दिल नहीं होता था, तो हम इसे पाँच रुपए देखो 5 रुपए में ड्रेस दिलवाती थी मुस्कान से। अल्लाह मेरा हाथ रुक गया, पकड़े हाँ तो गाई मुस्कान का हाथ दुख गया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। तो 5 रुपए में मुस्कान से ड्रेस दिलवाती थी मैं, क्योंकि इसे ना अपनी ड्रेस रोज प्रेस करनी होती थी और ऐसे प्रेस करती थी 1-1 घंटा पैर के मोजे तक प्रेस करके लेके आती थी, रिबन तक प्रेस करके लेके आती थी। और मैं प्रधान को देती थी 2 रुपए और मैं इससे बर्तन दिलवाती थी, मेरे भाई बहुत अच्छा था 2 रुपए में बर्तन धोता था। और प्रधान की एक बार बात बताऊं गाइस, मुझे ले जाएगी सारी तो मंदा कर दो पहले। गाइस एक बात बता, क्या वो प्रधान का पेपर था? प्रधान का पेपर था गाइस, अगर आवाज ना आ रही हो तो लीड लगा लेना, बहुत अच्छे से बताने जा रही हूँ। प्रधान का पेपर था है ना, कौन सा पेपर था प्रधान तेरा? इसका इंग्लिश का पेपर था और इसका पेपर आ नहीं रहा था, ये था मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास में था, देखो अपना आप बता रहा तो इसे पेपर नहीं आ रहा था, तो इसने अपने पीछे वाली लड़की से पेपर करवा लिया सारा। और पेपर कराने के बाद ये लेके गया तो सोडे वाली की दुकान अपने 5 रुपए बचाए के इनने उस लड़की को सोडा पिलाया पेपर करा था उनने पेपर करा था। फिर प्रधान को हमने ऐसे काम सिखाया, अब प्रधान गया उसके घर पे एक बार वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, ऐसे तरीके से काम सिखाया था सबने। तो प्रधान उसके घर पे गया वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे तो पढ़ा वो लड़की कह रही प्रधान अपने बच्चों से बच्चा मामा को पानी पिला दिल पर चोट लग गई प्रधान तो याद आ गई प्रधान गाय पता नहीं गाइस क्या होता है क्या नहीं होता, इसके जितने भी राज हैं ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले दुनिया के किसी कोने में चला जाए, पर इसके हर एक चीज मुझे पता चल जाती है। इसके इतने मंगल है, मेरे ऊपर मंगल बन के बैठी है। इसके इतने भांडे पड़े, मैंने इतने भांडे पड़े, एक बार इसमें डायरी भी लिखी थी अगर आपको डायरी वाली स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके डायरी वाली स्टोरी पूरी बताऊंगी जिस दिन ये घर पे नहीं होगा एक एक नोट पढ़ के बताऊंगी आपको डायरी में क्या क्या लिखा था और तो और इसके सारे राज ना मैं अब तुम्हें यानी से सुनवाऊंगी, यानी को एक एक बात लोंडिया मजाक उड़ावा था, पनीर पकौड़े बनकर तैयार हैं, जल्दी निकालते हैं इन्हें प्लेट के अंदर। गाइस अगर ये खा लिए ना तो आप मोमोज भूल जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप चाहे तो इसे चिकन में ही बना सकते हैं, इसकी भी रेसिपी है मेरे पास, चिकन क्रिस्पी चिकन या कुरकुरे चिकन के नाम से भी है। तो मेरे चैनल पे है डेली क्राफ्ट आयशा खान, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। और साथ में बनाई है मुस्कान ने मोमोज की चटनी, तो मोमोज चटनी से आप इसे खाएं, इसमें ये बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है, आप देख सकते हैं और कितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार है, अभी इसे खाएंगे, पापा मम्मी भी आ चुके हैं। हाँ ये रहे, क्या के लिए आई? आम की बारिश हो गई फिर से हमारे घर में, देखो गाइस आम की हमारी रोटी और ये बाहर से आया हमारा खाना आज रोटी आम। बैठो हम भी तुम्हें खिलाएंगे एक स्पेशल चीज। अच्छा जी, हाँ जी चलो बैठो गाइस। आज हमारे घर में जाफराबाद की स्पेशल नली नहारी आई है, जी जिसको खानी है आ जाओ या फिर वहीं से आके ले आओ जाफराबाद की मशहूर नहारी है ये और साथ में हमारे क्रिस्पी पनीर पकौड़े जैसे कि आपने देखा है, और ये रखे हैं हमारे ढेर सारे आम। मैंगो शेक बना लिया, पापा खाएंगे, पापा की दाल, पापा की दाल, अच्छी दाल ले आओ पापा। हाँ जी खाना खा लो भाई, मैं तो खाऊंगा नहीं कुछ भी, मन से बनाया पनीर पकौड़े। अरे सब गोश्त का मामला है, पापा ही पनीर के बनाए हैं पकौड़े, पनीर के, पनीर के ये तो मैं दाल ही तो होगी, मेरी दाल ले लो, दाल लेगा पापा की, पापा लो शुद्ध हाथों से
शुद्ध पनीर के पकौड़े थे, अलग निकाल के दे रहे हैं, फिर तुम बोलोगे अशुद्ध कर दिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ज्यादा दो तो इन दो तीन चीज में दो तीन। पापा की दाल ला दो, हम तो इसमें से खा लेंगे ठीक है। पापा की दाल ला दो, मेरे को सॉस भी किसी अलग कटोरी में दे दो थोड़ी सी। दाल खाओगे? दाल क्या खाऊंगा मैं, फिर यही खा लेता हूँ, सब चीज थोड़ी खाई जाती है। चलो ठीक है, तो आम भी खाओ, पापा भी छुट्टी इसमें खा लो, तो मैं थोड़ा पहले दाल खा लेंगे ठीक है। चलो चलो काफी है, बस 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 बस। आ जाओ दोस्तों, डिनर तैयार है, आ जाइए, पनीर के पकौड़े खाइए, दाल खाइए। दोस्तों आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, लाओ लाओ अपना हाथ लाओ 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 हाथ, ऐसे ऐसे लाइक कर देती हूँ, लाओ पकड़ के अपना हाथ दे दो, मैं से लाइक कर दूंगी जरूर कर दो प्लीज, मेरी वीडियो लाइक कर देना जी। सही बात है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को, और शेयर भी कर दो। कितना देर लगती है लाइक करने में, बस एक बार टच तो करना है, ऐसे लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। और मैं पढ़ती हूँ आज के कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट है मुस्कान खान का, इन्होंने लिखा है आपके ब्लॉग देखते ही मेरा दिन बन जाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद है ये, इसके बाद है ये राज, इन्होंने लिखा है आपके ब्लॉग मुझे बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं, तो थैंक यू सो मच जी। फिर इसके बाद है आफरीन, इन्होंने लिखा है नाइस ब्लॉग, तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद है क्या लिखा है ये अमीना, अमीना है शायद, तो इन्होंने लिखा है मुझे आपके ब्लॉग बहुत 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 अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने सुन लो अपने इंस्टाग्राम पर नई वीडियो रील बनाई है, मैंने अच्छी अच्छी रीलें बनाई है, आप उनको मैं डाल दूंगी, फिर आप उनको शेयर उनको देखना मेरा। आज बहुत मेहनत करी है अम्मी ने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है, तो ये मैं अम्मी की आईडी मेंशन कर रही हूँ, और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी है, और इस पर जाकर मुझे फॉलो करो। फरजान के साथ आज जो हमने मस्ती की है, फरजान ने मेरे साथ जो मस्ती की है, वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।